नमस्कार। आज आम आदमी पार्टी की टीम यहाँ पे आई हुई है और हमारे साथ बहुत सारे मुंबई के नागरिक भी आए हुए हैं। हम यहाँ पे आपको आगाह करने आए हैं कि आने वाली बारिशों में फिर से एक बार मुंबई घरों की जान जा सकती है। कैसे? आरटीआई एक्टिविस्ट हैं अनिल गलगली, उन्होंने पिछले साल आरटीआई के थ्रू ये जानकारी ली थी कि मुंबई में 327 ऐसे इलाके हैं जो पहाड़ी इलाकों में बसे हुए हैं और यहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकती है। सरकार कहती है वो नंबर है 291। लेकिन सवाल 291 और 327 का ही नहीं है, सवाल ये है कि 25,000 घर ऐसे इलाकों में हैं जहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकती है। अब मुंबई एक पहाड़ी शहर था, जब शुरू में मुंबई बसा तो बहुत अच्छे से पहाड़ियों को डेवलप किया गया, जैसे मलबार हिल और पाली हिल और शानदार रईसों के लिए रेजिडेंशियल एरिया बनाए गए। लेकिन जैसे मुंबई बढ़ता गया और जनता यहाँ पे आती गई, उनको सम प्लॉट्स ने बसा दिया पहाड़ों में। इन पहाड़ों पे हर बारिश में लोगों की जान जाती है, बारिश में जान का नुकसान होता है और फिर कुछ नहीं किया जाता। आम आदमी पार्टी की टीम ने कई जगहों पे मुंबई में इंस्पेक्शन किया। हम मलाड में कुरार विलेज गए जहाँ पे 2019 में 30 लोगों की मृत्यु हुई थी। हम चेंबूर में भरत नगर गए जहाँ पे पिछले ही साल ऑलमोस्ट 20 लोगों की मृत्यु हुई थी। हम सूर्यनगर गए विक्रोली में जहाँ पे 10 लोगों की मृत्यु हुई थी। हम असलफा गए जहाँ पे पहले 2005 में और उसके बाद पिछले 7 साल पहले भी बहुत सारे हादसे हुए थे, जहाँ हमेशा ही हादसे होते हैं। मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाना चाहती हूँ, हमारा कुरार विलेज का मैं आपको वीडियो दिखाना चाहती हूँ। और वो दीवार टूटी थी और वो आज तक बनी नहीं है, 2022 हो गया है। शिवसेना की बीएमसी मेंटेन करती है वो दीवार। जब वो दीवार टूटी थी तब पानी बहता हुआ बारिश में यहाँ आया था। इस स्थान पे 30-40 घर थे जो टूट गए, तहस नहस हो गए और 32 लोगों की मौत हो गई। उस हादसे के बाद कुछ इलाके को रेड जोन करार दिया गया, जिनके घर टूट गए थे एकदम, उन्हें तो शिफ्ट किया कहीं चांदीवली में, लेकिन और सॉरी मापुर में शिफ्ट किया। जबकि पीएपी का हमेशा ये कहा जाता है कि उनको स्थानीय जगह पे शिफ्ट करना चाहिए, जाके दूर उनको मापुर में फेंक दिया गया, अपने ही शहर में उनको रेफ्यूजी बना दिया गया। और जो बाकी रेड जोन के घर है, अराउंड 75 घर अभी भी यहाँ पे बाकी हैं, उनके लिए कुछ नहीं किया पिछले 2-3 सालों में। फिर से बारिश आती है, पानी भरता है, उनको उठा के लेके जाते हैं स्कूल में 10 दिन के लिए, वहां खाने की कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं, फिर वापस छोड़ देते हैं। उनके घर तब तक तहस नहस हो जाते हैं, वो घर वापस बनाते हैं, 10 दिन बाद वापस जोर से बारिश होती है, वापस उठा के लेके जाते हैं, 10 दिन रखते हैं, 10 दिन फेंक देते हैं। इस तरीके से इनका हर बारिश का सीजन बीत रहा है। 2020-2021 दो साल से 75 घर है इधर अम्बेडकर नगर कुरान ब्रिज में, जो यहाँ पे इस तरीके से बार बार लोगों को उठा के ले जाके स्कूल में पटका जाता है। स्कूल में खाने की सुविधा नहीं, वो जाते हैं, बारिश उनके घर बर्बाद कर देती है, वापस आते हैं, घर बनाते हैं, वापस स्कूल में लेके जाते हैं और इनको अभी तक घर नहीं दिया गया। इस तरीके से 3 साल से बीएमसी मजाक कर रही है इनकी जिंदगियों के साथ। अगर एनडीआरएफ का आने में या जाने में समय लग गया और वो 75 घर वालों में से और लोगों की मौत हो गई तो इसकी जिम्मेदारी क्या शिवसेना लेगी? मैं आपको आम आदमी पार्टी का इफेक्ट बताना चाहती हूँ। हम कुरार विलेज गए इस इंस्पेक्शन के लिए और तुरंत वहां के खासदार सुनील प्रभु के लोग इन लोगों से मिलने आए। 2 साल से अनशन पे बैठे थे ये लोग, यहाँ पे आंदोलन में बैठे हुए हैं, लेकिन 2 साल से कोई फटका नहीं उनके पास। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, मैं गई, मेरी टीम गई वहां पे, उसके कुछ घंटों में खासदार सुनील प्रभु के लोग वहां पे आए और इन लोगों को आश्वासन दिया, उन 75 लोगों को, कि हम आपको घर बना के देंगे। अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, लेना ले जाना चाहती हूँ चेंबूर की तरफ। चेंबूर में भरत नगर में सबसे भयानक हादसा हुआ था,
जहाँ पे मलबे के नीचे दबके 20 करोड़ इसके कौन बात कर। पहाड़ों से पानी आया था, घर ढह गए थे और 32 लोगों की मौत हुई थी। आप यहाँ सामने देख रहे हैं महाराष्ट्र शासन ने एक दीवार बांधी थी 2013-14, लेकिन क्लियरली कोई ठोस काम नहीं किया था। और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ जहाँ पे घर गिरे थे, 32 लोगों की जान गई किस तरीके से। और इसके तुरंत बाद घर है जिसमें लोग रहते हैं, बारिश ज्यादा होती है। आप देखिए यहाँ पे जहाँ से एक्चुअल पानी आता है वहां पे दीवार नहीं है और वहां से बहता हुआ पानी आता है और यहाँ पे लोगों की जान लेता है। आदित्य साहब ठाकरे जब बरेली में इंस्पेक्शन करते हैं प्री मानसून प्रेपरेशन का, उनको भारत नगर जैसे इलाके दिखाई ही नहीं देते क्योंकि यहाँ पे उनकी गाड़ी नहीं आ सकती ना। हर बारिश में ये घर टूटते हैं, लोगों की जान जाती है, लेकिन ठाकरे परिवार को कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके अंदर में भारत नगर में जब ये हादसा हुआ था तब सारे नेता वहां पहुंचे थे, नवाब मलिक साहब पहुंचे थे, आदित्य ठाकरे पहुंचे थे, बीजेपी के नेता पहुंचे थे। जो वहां पे लोगों के घर टूटे उन लोगों को तो उठा के एक मेकशिफ्ट अकोमोडेशन में डाल दिया गया, कुछ 30 घर, लेकिन बाकी जो वहां पे बहुत सारे हजारों घर हैं, भारत नगर बहुत ही पॉपुलेटेड एरिया है और पूरा स्लोप पे है, हम शक्ति नगर की स्लोप पे है, उस एरिया में आज तक किसी को भी रिहैबिलिटेशन के नाम पे कुछ नहीं मिला है। रिहैबिलिटेशन छोड़ दीजिए, वो मलबा वैसे का वैसा पड़ा है, जहां से पानी आया था वहां पे दीवार नहीं है, जाली है, वायर मैश है और मैश के पीछे कचरा अभी भी जमा हुआ पड़ा है। पानी आएगा वो कचरा, वो पत्थर, वो मलबा धक्का देते हुए उस मैश को तोड़ के लोगों के घरों को वापस तोड़ेगा। ये हाल चल रहा है भारत नगर में। इसके अलावा मेरे साथ यहाँ पे साथी हैं नीता सुकनकर जी हैं, जॉइंट सेक्रेटरी जो हमें भारत नगर लेके गई थी, गोपाल झवेरी जी हैं जो असलफा गए थे, पायस वर्गीस जी हैं जॉइंट सेक्रेटरी जो हमारे सूर्यनगर गए थे विक्रोली में। मैं एक अपने साथी को बुलाना चाहती हूँ, वरुण नगर आप इधर आ सकते हैं तो इनसे भी आप सुनिए। वरुण यादव जब मुंबई में बहुत बुरी तरह से बारिश हुई थी, आइए वरुण कौन से साल में हुआ था वो? 2005 में जो बारिश हुआ था 26 जुलाई के दिन, 26 जुलाई को जो 2005 में बारिश हुई थी, उस बारिश में वरुण के माता पिता असलफा में उन्होंने अपनी जान खो दी थी। बहुत सारे लोग उस समय असलफा में, उनकी जाने गई, उनके घर टूट गए, मतलब पानी ऐसा पड़ा था, वो तो एक अद्भुत ही पानी था कि घर शिफ्ट हो गए, कुछ घर मलबे के नीचे ऐसे दब गए कि आज तक वो घर कहाँ थे किसी को पता नहीं है। वो होने के बावजूद वरुण जैसे कई परिवारों को रिहैबिलिटेट किया गया, जो 25-30 परिवार बुरी तरह से जो उसका घर टूटे थे, लेकिन आज भी असलफा में बुरी तरह से लोग उन घरों के ऊपर, उस मलबे के ऊपर घर बना के रह रहे हैं। एकदम प्रिकेरियस सिचुएशन है, ना कोई रिटेंशन वॉल बनी है, ना कोई वहां पे सुविधा दी गई है। सूर्यनगर में जहां पे पिछले साल 10 लोगों की मृत्यु हुई थी, वहां पे रिटेंशन वॉल बनाने के ऊपर एक मजाक किया गया है, जमीन के ऊपर थोड़े पत्थर रख के वॉल बना दिया है। रिटेंशन वॉल ऐसे नहीं बनती, वो इतनी कमजोर वॉल है और इतनी टूटी फूटी वॉल है, वो वापस टूटेगी, वापस पानी और मलबा बह के आएगा। यहाँ पे सूर्यनगर से हमारे साथी आए हुए हैं, आइए आपका नाम? बबलू है। और भरत नगर से कौन आए हैं? नाम नीचे दो तरफ दो जन इधर आइए भरत नगर से, ये आप अपना प्रोजेक्टर बंद कीजिए साहब। ये सब लोग आज ऐसी जिंदगी, आदित्य अभी हुआ है, ये सब लोग आज ऐसी जिंदगी जी रहे हैं कि कल बारिश आएगी और इनकी मौत हो सकती है, इनके बच्चों की जान जा सकती है, इनके परिजनों की जान जा सकती है। ये इस तरीके से जिंदगी इस डर में, इस खौफ में जी रहे हैं।
मैं गोपाल जी से चाहूंगी कि वो इस पे थोड़ा अपना भी नजरिया दिखाए। हम आपको एक एक तस्वीर दिखाएंगे। ये भरत नगर की है तस्वीरें, उठाइए वो देखिए, जिस तरीके से घर टूटे थे, पकड़िए निका, जहां से पानी आया था वहां पे आज भी लोग रह रहे हैं, उस गली में आज भी लोग रह रहे हैं। जो घर टूटे थे उनका मलबा वहीं पे पड़ा है, पानी आएगा तो ये मलबा बहते हुए दूसरे लोगों के घर में जाएगा। ये कुरार का है, जहां पे जैसे ही हम गए वहां पे इन लोगों को आश्वासन दिया गया, ये बैठे हुए हैं लोग 2 साल से, इनको आश्वासन दिया गया नहीं कल हम आपको शिफ्ट कर देंगे, हम देखते हैं कि ये होगा क्या। इसके अलावा गोपाल जी गए थे असलफा, कंडीशन है पूरा टूटा हुआ है और कुछ काम नहीं हुआ। और ये सूर्य नगर की आज की भी स्थिति है, टूटे हुए घर है, ओपन इलेक्ट्रिक कनेक्शंस है, उनको ना घरों को हटाया गया है, ना डेबरी हटाई गई है, ना दीवार ठीक से बांधी गई है, और उसको बिल्कुल सटीक एकदम लग के और घर है जहाँ लोग जी रहे हैं। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ बैठ जाइए, आप सबकी हम रिकॉर्डिंग लेंगे। अभी हमारा ये कहना है कि जैसे ही आम आदमी पार्टी की टीम जगह जगह हिल साइड पे जाने लगी तो बीएमसी ने एक आह्वान दे दिया, इस वार्ड में जो लोग भी खतरे के इलाके में रह रहे हैं वो वहां से चले जाएं। चले जाएं मतलब कहां चले जाएं? 5-star होटल में जाके छुट्टी मनाएं? गरीब आदमी है, ये मजाक है बोलना कि आप वहां से चले जाओ। गरीब आदमी जाएगा कहां? उसके पास कोई पैसा है कि जाके होटल में रह ले या कहीं पे और घर किराए पे ले ले? उसकी नौकरी का क्या होगा, उसके बच्चों के स्कूलों का क्या होगा, उनकी पढ़ाई का क्या होगा, उनके व्यवसाय का क्या होगा? हम कुरार गए तो सुनील प्रभु की टीम ने बोल दिया कि हम इनको रिहैबिलिटेट कर रहे हैं, अब तक सो रहे थे, 2019 में हुआ था वहां पे। और अगर रिहैबिलिटेट कर सकते हैं तो इसका मतलब तो यही है कि रिहैबिलिटेशन करने की ताकत इनमें है लेकिन नियत नहीं है। जब तक आम आदमी पार्टी आवाज नहीं उठाती तब तक ये किसी को घर देते नहीं है। हम जब खड़े होकर आवाज उठाते हैं तभी घर दिए जाते हैं। हम ये अपनी आवाज बहुत जोर से उठाएंगे, हम हर जगह जाएंगे, हर ऐसे इलाके में जहाँ पे लैंडस्लाइड होने का चांस है, और हम वहाँ के अधिकारियों को चिट्ठी लिखेंगे, और हम सरकार को ये चिट्ठी लिखेंगे कि अगर उन अधिकारियों ने एक्शन नहीं ली और लोगों का पुनर्वासन नहीं किया और फिर वहाँ पे अगर बारिश में कोई हादसा हुआ तो उन अधिकारियों पे और उधर के स्थानीय पॉलिटिकल नगर सेवक आमदार खासदार पे फौजदारी गुना दाखिल होना चाहिए। बस यही कहना था, धन्यवाद।